हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे और आपके चैनल एम डिजिटल इंडिया पर। दोस्तों अगर आप पेटीएम यूज़र हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि पेटीएम में एक नया ऑप्शन आया है जो कि पेटीएम लॉयलिटी नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों एक नया वॉलेट दिखने को मिल रहा है जो कि लिखा हुआ है लॉयलिटी पॉइंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो लॉयलिटी पॉइंट क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है और उसको कैसे यूज़ करें दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। सबसे पहले हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों। जिन लोगों को पता नहीं है, देखिए आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो अब अगर आप अभी से अपना पेटीएम वॉलेट को ओपन करते हैं और उसके बाद अगर आप सिंपली इधर पासबुक वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन दिखने को मिल जाएगी जो कि सभी को दिख रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों जो कि सभी को दिख रहा है। पहले हमें ये वाला ऑप्शन खुल जाया करता था वॉलेट का, अभी ये वॉलेट वाला ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा है। समारी नाम का ये जो ऑप्शन है ये आ रहा है, लेकिन वॉलेट वाला ऑप्शन हमारे सामने नहीं खुल रहा है। और हम अगर ध्यान लगाकर देखते हैं तो हमें साफ साफ इधर दिखाई देता है ऊपर की तरफ हमारा पेटीएम वॉलेट और नीचे की तरफ हमें दिख जाता है लॉयलिटी पॉइंट और 1 रियार्ड पॉइंट का मिलता है 1 रुपीज़, ऐसा कुछ इधर लिखा गया है। आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये ऑप्शन आज ही आया है जितना माना जा रहा है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये लॉयल्टी पॉइंट आखिर क्या है। आप लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहे हैं, हाउ टू लॉयल्टी पॉइंट, पेटीएम का ये लॉयल्टी पॉइंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पेटीएम का ये जो लॉयल्टी पॉइंट है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि पेटीएम से तो हमें हर वक्त कैशबैक मिलता रहा है, लेकिन आपसे कैशबैक के साथ हमें कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे जैसे कि कुछ बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ऑप्शन लगाए गए हैं अभी ये चालू नहीं किया गया है, बस इसको मतलब इसके अंदर डाल दिए गए हैं, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहे हैं। ये अगले आने वाले दिनों में काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये बैंक की जैसे कि रिवार्ड पॉइंट होते हैं उस तरह का कुछ नहीं है दोस्तों। पेटीएम चाहते हैं बाकी दूसरे वॉलेट की तरह वो अपना जो कैशबैक देता था वो अगले आने वाले दिनों में पेटीएम वॉलेट में ना देकर इस लॉयलिटी पॉइंट में दे दोस्तों, जिससे आप उस पैसे को कहीं पर भी ट्रांसफ़र ना कर पाए, ओनली ऑन दूसरे वॉलेट के रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह करें। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉल रिकॉर्डिंग जो है पेटीएम वालों से मैंने बात किया था उसको मैं आपको पहले सुना देता हूँ दोस्तों, उसके बाद आगे आगे बात करेंगे। तो सिंपली चलते हैं और सुन लेते हैं दोस्तों। मैं सिंपली स्टार्ट करता हूँ। पेटीएम लॉयलिटी मतलब आपको पेटीएम में जो कैशबैक मिलता था, ठीक है, तो कैशबैक आपके वॉलेट में डायरेक्ट आता था, लेकिन पेटीएम लॉयलिटी जब से लागू होगा तो आपको वो कैशबैक पेटीएम लॉयलिटी में स्टोर होगा। वो अलग एक वॉलेट टाइप का होगा जहाँ पे आपका स्टोर होगा वो आपका कैशबैक का अमाउंट। अच्छा, इसके तहत मैं उस बैलेंस को किसी दूसरे को शेयर नहीं कर पाऊंगा, लॉयलिटी बैलेंस को? जी, आप ना ही उसको किसी बैंक में ना ही किसी को सेंड कर पाओगे, आप बस पेटीएम में यूज कर पाओगे। मतलब आप लोग चाहते हैं कि दूसरे वॉलेट जैसे कि बाकी लोग जो वॉलेट चल रहे हैं उसी की तरह पेटीएम को भी उस तरह का बनाना कि हम मजे लेते थे कैशबैक का, दोस्तों के साथ शेयर करते थे, आपसे ऐसा नहीं कर पाएंगे मतलब? जी, तो ये पेटीएम लॉयलिटी कब से लागू होगा? उस रिलेटेड आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, अभी तक कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। कॉल के रेफरेंस नंबर लिख लीजिए। ठीक है, रेफरेंस नंबर लिखने की जरूरत नहीं। ओके, और पेटीएम के संबंधित और कोई जानकारी? नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही बुरी बात है सर, ऐसे तो हमें मजा मतलब पेटीएम यूज करने का जो मजा था वो तो नष्ट हो जाएगी। तो पेटीएम ने पॉलिसी इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ तो पेटीएम की ओर से जो है कुछ फायदा के लिए ही बनाया गया होगा आपके। लेकिन देखिए सर, हमें जो पहले जो बेनिफिट मिलता था वो तो अच्छा मिल रहा था, मतलब ये लॉयलिटी से अच्छा मिल रहा था। हमने सोचा ये लॉयलिटी शायद जैसे कि बैंक रिवार्ड पॉइंट देता है उसी तरह का कुछ होगा शायद, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि ये लॉयलिटी पॉइंट में हमें अपना कैशबैक मिलता रहेगा अगले आने वाले दिनों में और इसको हम कहीं पर सेंड भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वॉलेट पर ही यूज कर पाएंगे। तो ये तो हमारे लिए मतलब क्या बताऊं,
अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हम अपने मजे से उसको ट्रांसफर करते थे तो हमें बहुत ही ज्यादा पेटीएम पसंद आता था। लेकिन इसमें तो हमें ज्यादा परेशानी की बात है कि अगले आने वाले दिनों में हम पेटीएम का जो कैशबैक आएगा उसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। जी, वो तो शेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। कोई और जानकारी पेटीएम से संबंधित? धन्यवाद नहीं, पेटीएम में संपर्क करने के लिए आपका नमस्कार। तो दोस्तों जैसे कि आपने पेटीएम सुन ही लॉयलिक लिया तो दोस्तों जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा कि पेटीएम का क्या कहना है, कि इतना ही डिसीजन आया है कि आपको जो है अगले आने वाले दिनों कैशबैक जो है वो आपके पेटीएम लॉयलिटी वॉलेट में डाल दिए जाएंगे। अगले आने वाले दिनों में आपको पेटीएम वॉलेट में पेटीएम का कैशबैक रिसीव नहीं होगा। दोस्तों ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, ऐसा तो जानकारी नहीं मिला है अभी तक। तो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगी कि ये क्या है और इसको कैसे यूज़ करें। और यूज़ करें मतलब हमें जैसे कि हमें बिल पेमेंट पर अगर कोई कैशबैक मिलता है, लेकिन इतना भरोसा किया जा सकता है कि अगले आने वाले दिनों में हमें कैशबैक की जो रकम है वो ज़्यादा मिलने वाला है पहले से भी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें वो जो पैसा होगा वो हम दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, बस पड़े रहेंगे और रिचार्ज कर पाएंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन आने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशानी आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये जो नया सिस्टम आने वाला है ये कैसा लगता है, अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, अगर आपको अच्छा ना लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो डिसलाइक करें दोस्तों। तो धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।